नमस्कार, मैं डॉक्टर संजू सिंह, मैं एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और आज इस पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के मौके पर मैं आप लोगों के साथ पीसीओएस के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पीसीओएस होता क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ में इनको डायग्नोज कैसे किया जाए और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज एक ही कंडीशन के दो नाम है। एक पॉली मींस मल्टीपल यानी बहुत सारे, सिस्ट मींस सैक फिल्ड विद फ्लूइड यानी कि कोई भी गुब्बारे जैसी संरचना जिसमें पानी भर जाता है। ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है बट क्योंकि ये ओवरीज में हो रहा है इसलिए ओवेरियन। सिंड्रोम मीन्स मल्टीपल, इसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इसको सिंड्रोम बोला जाता है। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन इंडोक्राइनल कंडीशन है जो फीमेल्स में पाई जाती है। ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स यानी कि 16 से लेके 40 साल की एज की फीमेल्स में देखा जाता है। इंडिया में हर 5 में से एक फीमेल में ये कंडीशन देखने को मिलती है। आजकल के टाइम के हिसाब से एडोलेसेंट या फिर यंग एज की फीमेल्स में जैसे वो प्यूबर्टी हिट करती हैं इसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला होता है इरेगुलर पीरियड। अगर एक लेडी में एक साल में 9 से कम पीरियड्स आते हैं तो उसको हम इरेगुलर पीरियड मानते हैं और उसे पीसीओएस का एक सिम्टम मानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फंक्शंस कैसे करती है ओवरीज। हर महीने हमारी ओवरी से एक ओबम मैच्योर होता है और वहाँ से एग रिलीज होता है। ओबम को मैच्योर करने के लिए दो हार्मोन्स बेसिकली लगते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों हमारे सर के पीछे एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से सीक्रेट होके आते हैं। तो इसकी कंडीशन में, पीसीओएस की कंडीशन में क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हमेशा बढ़ा रहता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से ओबम जो है वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं और उसमें से एग रिलीज नहीं हो पाता। तो जब ओबम मैच्योर नहीं होते हैं तो वहीं पर ओवरी में ही उसमें पानी भर जाता है और वो सिस्ट बना लेते हैं। जब यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है तो ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। इसके अलावा हैवी पीरियड्स, अब अगर 2 महीने 3 महीने स्किप करके पीरियड आ रहा है तो इंडोमेट्रियम की एक थिक लाइनिंग जो है वो शेड होती है जिसकी वजह से पीरियड्स हैवी होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा वेट गेन, पीसीओएस की कंडीशन में देखा गया है कि वेट बहुत तेजी से गेन होता है और ज़्यादातर कमर के अराउंड ये इकट्ठा होता है और इसको कम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। चौथा है हिर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स के बढ़ने की वजह से मेल टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि चेहरे पे, चिन पे, चेस्ट पे, यहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। साथ में एंड्रोजन्स के बढ़ने की वजह से ऑयली स्किन हो जाती है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। कुछ लोगों में हेयर फॉल टेम्पल्स के रीजन की तरफ से बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं और थिनिंग ऑफ हेयर भी होने लग जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ओवरी का जो नॉर्मल फंक्शन है यानी कि ओबम मच्योर करना, एग रिलीज करना, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और प्रेगनेंसी में भी डिफ़िकल्टी आती है। इसके अलावा अकांथोसिस नाइग्रिकन्स, जो आपके नेक के अराउंड या फिर आर्म पिट में या फिर बिलो ब्रेस्ट या इनर थाइज, यहाँ की जो स्किन होती है वो थिक होती है और हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है यानी कि वहाँ पे डार्कनेस हो जाती है, ब्लैक होने लग जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट में निचले हिस्से में दर्द की भी शिकायत रहती है। इसके रीजन्स क्या क्या होते हैं, किन कारणों से ये होता है? सबसे पहला होता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को, आपकी मॉम को, आपकी सिस्टर को, आपके कजिन्स को, किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओएस के कंडीशन में हमारे हार्मोन जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स यानी स्पेशली
टेस्टोस्टेरोन उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओबरी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है यानी कि ओबम को मैच्योर करना और एग रिलीज करना, वो नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, जिससे पीरियड्स में दिक्कतें आती हैं और भी तरह की दिक्कतें आती हैं। तीसरा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में एक पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड होता है जहाँ से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इस कंडीशन में इंसुलिन की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, तो सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ग्लूकोज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो बॉडी में अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होके फैट बनाता है और वेट गेन करता है। साथ में उसको सही करने के लिए बॉडी हमारी क्या करती है, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करने लग जाती है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा होता है तो वो ओवरीज को अफेक्ट करता है और वहाँ से ओबम प्रोडक्शन को वो हिंडल करता है, ओबम प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है। अगर इनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे रिगार्डिंग आपके पीरियड्स और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, फैमिली हिस्ट्री, वेट गेन, ये सब जानेंगे। इसके बाद एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो हार्मोन्स टेस्ट होता है। तो इसको हम पीरियड के सेकेंड डे करवाते हैं खाली पेट। इसमें हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल और इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं इंसुलिन के लिए। साथ में फ्री टेस्टोस्टेरोन चेक करवाते हैं एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन के लिए। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें हमको इनलार्ज ओवरीज मिलती हैं जिसमें मल्टीपल सिस्ट होते हैं जो पर्ल नेक अपीयरेंस यानी मोतियों की माला टाइप अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, एज के साथ साथ डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यंग एज में ज़्यादातर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्ने, पिम्पल, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब देखने को मिलते हैं। वहीं जो मैरिड लेडीज हैं जो उनमें डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जब 35 से 40 45 की एज में ज़्यादातर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंडोमेट्रियल कैंसर, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसको हमें ठीक कैसे करना है, इसको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है। तो दो चीज़ें करनी होती, एक होता है लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन जिसमें हम घरेलू तरीकों से, घरेलू नुस्खों से को ठीक करते हैं। दूसरा होता है मेडिसिनल। अगर आप दोनों को बैलेंस करके करेंगे तभी आप इसको पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अपना वेट कम करना होता है। तो ऐसा देखा गया है कि 5-6% वेट कम करने से ही आपको 2-3 महीनों में रेगुलर पीरियड्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। 30-40 मिनट की ब्रिस्क वॉक बहुत हेल्पफुल होती है इसमें, और अगर आप कर सकते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के योगा कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, जुम्बा कीजिए, कुछ भी कीजिए। और इसके अलावा मेडिटेशन, मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में आपको अपने स्लीप पैटर्न का बहुत ध्यान रखना होता है, यानी आपको एक पूरा रूटीन बना के रखना है कि आपको इस टाइम में सोना है, इस टाइम में जगना है, 8 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है। अब अगर आपसे ये पैटर्न नहीं हो पाता कि आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, फिर भी जब भी आप सो रहे हैं, जब भी आप उठ रहे हैं, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा कुछ डाइटरी चेंजेस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें होता है आपको मीठी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं खाना जो आपके शुगर लेवल को बढ़ाए। कुछ भी केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ या शुगर या फिर हनी, कोई भी चीज़ नहीं आपको खानी है। आप फ्रूट में प्रेजेंट जो शुगर होता है वो ले सकते हैं, बट ऐसे कोई प्रोसेस फूड वाला शुगर आपको नहीं लेना है। इसके अलावा मैदे से बनी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ऑयली फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ में आपको प्लास्टिक बॉटल्स में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इसके अलावा टी एंड कॉफ़ी अगर आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अवॉइड हो रहा है तो आप एम्प्टी स्टमक कभी भी मत लीजिए। आप ब्रेकफास्ट के बाद एक कप टी या कॉफ़ी ले सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसको भी अवॉइड करना है। साथ में आपको अपने किचन से
माइक्रोवेव और नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो होते हैं इनको बिल्कुल आउट कर देना है, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ ऐड क्या क्या करना है आपको खाने में। आपको खाने में हाई प्रोटीन, हाई मिनरल, हाई विटामिन डाइट ऐड करनी है। पल्सेस, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने खाने में। साथ में आयरन यूटेंसिल्स में खाना जरूर पकाएं, एक टाइम का खाना जरूर आयरन यूटेंसिल्स में पकाएं। इसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड, जितना हो सके 3-4 लीटर पानी डेली पीजिए। साथ में आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बिल्कुल अवॉइड करना, हाई फैट डाइट। अगर आप बिल्कुल नहीं अवॉइड कर सकते तो आप दिन में ले सकते हैं, पर रात के टाइम ट्राई कीजिए कि आप हाई प्रोटीन डाइट ही। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथी का PCOS के कंडीशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इसके लिए आपको किसी अपने आसपास जो भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन हो उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पर मैं कुछ मेडिसिन जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। जैसे कि थुजा 30, पल्सिटेला 200, एपिस 30, कोनियम 30, लैक्सिस 30, इनके रिजल्ट PCOS के केसेस में बहुत ही अच्छे आए हैं। और अगर PCOS की वजह से आपको एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बहुत हो रही है तो उनमें हिपारसल्फ 200, बर्बेरिस अक्यूफोलियम 200, साइलिसिया 30, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी आपके सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बताऊं तो वो भी ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।